रोजाना वाली ठीक, जीने के लिए तो लेना पड़ेगा ना। एक मिनट बात करो उनसे, एक बात बताओ, लॉकडाउन की वजह से ले जा रहे हो पेटी? नहीं जी, हम कोरोना की बॉडी ढोते हैं इसलिए लेके जा रहे हैं। कोरोना की बॉडी ढोते इसलिए ले जा रहे हैं, तो इसका क्या रोल है उसमें? सर दारू पी के सेहत बनाएंगे तभी कोरोना नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, इधर आइए इधर आइए, इधर तो आओ। नमस्कार, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आज आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो ना तो किसी नेता की रैली की हैं, ना तो महाकुंभ के आयोजन की हैं। ये दरअसल ब्रह्मांड की एक ऐसी इकलौती जगह है जहां पर दवा के साथ जब दारू का भी जिक्र होता है तो उसको ज़मीन पर यथार्थ करती है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया इस टाइम बेहाल है, लेकिन ऐसे समय में जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शंस की भी कमी देखने को मिल रही है, जहां पर दवाओं की कमी देखने को मिल रही है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, वेंटिलेटर्स की कमी देखने को मिल रही है, हॉस्पिटल में लोग लाइन लगाए हुए हैं और शमशान घाटों पर भी लाइन लगी हुई है, तो ऐसे में आपको बता दें कि ये दारू की दुकान है, यहाँ पर भी आप जिस तरीके से देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनें हैं, कतारों में लोग लगे हुए हैं। और ये सब इसलिए है क्योंकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पब्लिक के सामने आते हैं, संबोधन देते हैं टीवी के द्वारा, और वो बताते हैं कि यहाँ पर 6 दिन का लॉकडाउन लगने जा रहा है। तो ऐसे में जब लॉकडाउन लगने जा रहा है तो यहाँ पर लोग लंबी लंबी कतारों में नज़र आ रहे हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि दवा की जगह दारू इतनी ज़रूरी क्यों है। क्वार्टर मिला है, बोतल लेना है तो क्वार्टर मिला है, क्वार्टर इसी में खुश नहीं है। मिला था इतनी सारी ले जाएंगे, कितने दिन पियेंगे इतनी? अब ये ले लिए हमने इकट्ठे जो है 16, अब एक क्वार्टर रोज पियेंगे, अब जितना दिन लॉकडाउन। एक क्वार्टर रोज पियेंगे तो 16 के हिसाब से तो 16 दिन का कोटा ले लिया, लॉकडाउन तो 6 दिन का है। हाँ तो ले लिया, मतलब अगर आगे भी बढ़ सकता है तो पूरी व्यवस्था करके चल रहे हैं। व्यवस्था करके चल रहे हैं, इससे ज़्यादा मिल जाती तो ज़्यादा ले देते। नहीं अबे इतना ही बहुत है। अच्छा ये बताइए, इतनी लंबी लंबी लाइन लग रही है, बताया जा रहा है कि कोरोना फैल रहा है बहुत तेज़ी से, तो डर नहीं लगता? कोरोना तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, पर अब क्या किया जाए, इसको भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। तो 16 दिन का आपने कोटा लिया, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है, 16 ही दिन का मिल रहा है? मिल तो बहुत रहा है, अब पेटी पेटी लोग ले जा रहे हैं, पर हमने जो है इतना ही लिया, अपने जितना काम चल जाएगा इतने दिन में। हाँ इतने दिन में हमारा हो जाएगा काम, हो जाएगा इतने दिन में काम, चलिए ठीक है। अच्छा एक और भैया पेटी लेकर जा रहे हैं पूरी, कहाँ ले जा रहे हैं इतनी बड़ी पेटी? घर पे। इतनी पेटी क्या करेंगे, 6 दिन का लॉकडाउन है। कोई बात नहीं, काम आ जाएगी बाद में, लॉकडाउन बढ़ गया तो। डर नहीं लगा यहाँ पर इतनी भीड़ है? डर काहे का लगना है, डर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए तो ऐसा है कि लोगों में यहाँ पर जो है वो डर कम है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो ले जा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। एक हमारे साथ भैया मौजूद है, हेलमेट लगा के बकायदा आए हुए हैं, हेलमेट आपको सड़क पर सुरक्षा देगा। यहाँ पर कोरोना फैल रहा है कैसे? ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, और ये भी जरूरी है, वो तो खैर कभी कभार का इंजॉय है। ऐसे में यहाँ पर जो लाइनें हैं वो दिखाती हैं कि लोग दारू को लेकर, देखिए लाइन देखिए आप, यहाँ पर जो तरह तरह की बातें उठती हैं कि यहाँ पर इतनी लाइनें हैं, यहाँ पर इतनी लाइनें हैं, वहीं लगातार इस तरह की बातें की जाती हैं कि मास्क लगा कर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखिए। मास्क तो लोगों ने लगा रखा है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नज़र नहीं आती। ऐसे में ये चीज़ यहाँ पर देखना, देखिए पास आके देखेगा तो यहाँ पर लोग लड़ाई भी कर रहे हैं, यहाँ पर झगड़ा भी हो रहा है दारू लेने को लेकर, यहाँ पर लगातार जो झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पर दूसरी तरफ से जो लोग जा रहे हैं उनसे बहस हो रही है और बाकी तमाम तरह की इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। लोग आगे भी लाइनों में लग रहे हैं, लाइन लगी हुई है, साइड से कैसे ले लेंगे जी, बताइए कहाँ चल दिए? अरे साइड से ले रहे थे, कहाँ जा रहे हैं? चलिए तो लाइन लगी हुई है, साइड से ले जा रहे, कहाँ जा रहे हैं भाई? बात कर लीजिए, चलिए कोई नहीं। तो ऐसे में ये जो है यहाँ पर लाइन लगी हुई है, यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर ले रहे हैं लगातार। यहाँ पर बता दूँ कि जब से मुख्यमंत्री ने बताया कि 6 दिन का लॉकडाउन लगने जा रहा है उसके बाद से ही इस तरीके की जो तस्वीरें थी यहाँ से नज़र आने लगी। पूरे दिल्ली में इसी तरीके का माहौल है, लोग जो है इसी तरीके से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ पर कोरोना की जो है वो धज्जियाँ उड़ रही हैं। ऐसे में यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, पुलिस वाले मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर ये बताइएगा यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं नज़र नहीं आ रही? जनता जो दिल्ली की है ना, कितने भी समझाओ नहीं समझ रही है। अच्छा सर ये सोच रही है कि आज के बाद हमें दारू मिलेगा ही नहीं, इस वो सोच रही है कि हमें दारू मिलेगा नहीं, हम दारू भर ले बस। अच्छा सर ये बताइए, जब जान को लेकर इतना जोखिम है तो जाम को लेकर ये लोग इतना परेशान क्यों हैं? ये तो यही बता पाएंगे कि भाई लोग लगातार ड्यूटी पर लगे हुए हैं, लोगों को समझा रहे हैं, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, तो ऐसे में इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि ये इनकी खुद की सुरक्षा के लिए? आज दिल्ली की जनता सिर्फ दारू जानती है, उसे खाने से मतलब नहीं है। हम कितने भी समझाया वो नहीं समझ रही हमारी बात।
हमें अपने को भी बचाना है और इनको भी समझाना है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अपने को भी बचाना है, इनको भी बचाना है, समझाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो तस्वीरें हैं वो हम सबके सामने हैं। यहाँ पर एक और भाई साहब है, कहाँ इधर जा रहे हैं ये बताइए। इतना कोरोना फैला हुआ है, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, भीषण लाइनें लगी हुई हैं, लगता नहीं कि कोरोना यहाँ से फैल सकता है? डर नहीं महसूस होता? डर तो है ही। तो डर है तो उस डर को तोड़कर, डर क्या के जीत है, ये जीत है क्या? नहीं। तो फिर क्यों आए हैं? अब आए। क्यों आए? सामान लेने आए थे। सामान लेने आए? तो ये बताइए, जब आपको पता है कि कोरोना इस तेजी से फैल रहा है, यहाँ पर इतनी परेशानी है, तो फिर भी आप क्यों आए? अब आए तो आए सामान लेने। दारू ज़्यादा ज़रूरी है, जान से ज़्यादा ज़रूरी है दारू? देखिए, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर व्यवस्थाओं को भी देखा जा रहा है। ये देखिए पुलिस वाले जो भाई साहब हैं वो लगातार व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, लगातार लोगों को लाइनों में लगाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर भीषण तरीके से लोग जो है वो लड़ाई भी कर रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं। इसके बाद लाइन देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एक तरफ जहाँ वैक्सीनेशन को लेकर लगातार बातें चल रही हैं, उसके बाद इतनी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर ठेकों में कि 6 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है। उसके बाद ये तस्वीरें जो हैं कहीं ना कहीं डराती हैं, कहीं ना कहीं जोखिम पैदा करती हैं कोरोना संक्रमण को और ज़्यादा फैलाने के लिए। ऐसे में इधर आइए, इधर आइए, इधर तो आइए। अरे यहाँ लोग भाग रहे हैं। यहाँ दरअसल बात यह है कि लोग यहाँ पर बात करने से थोड़ा सा संकुच हो रहे हैं और भाग रहे हैं। यहाँ पे लाइन देखिए, पुलिस जो है व्यवस्था करा रही है, लगातार लाइनों में लोगों को लगवा रही है ताकि लोग लाइनों में लग सकें और बात कर सकें। ये बताइए, कोरोना फैल रहा है, डर नहीं लग रहा है? इन सब से बात कीजिए, हमको इतना पढ़े लिखे आदमी नहीं। आपसे बिल्कुल हिंदी में बात कर रहा हूँ। ये बताइए, कोरोना इतना फैल रहा है, डर नहीं लगता कि कोरोना कहीं हो जाएगा? फिर कैसे इलाज करवाइए? डर तो लगता है सर सबको। जान ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जाम ज़्यादा ज़रूरी? सभी लोग लाइन में लगे हुए, हम भी लगे हुए लेने के लिए। डर नहीं लगता कोरोना से? डर लगता है ना, क्या जी, सबको डर लगता है। डर लगता है लेकिन दारू जो है वो ज़्यादा ज़रूरी नज़र आती है यहाँ पर। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। पता है देश में क्या फैल रहा है? कोरोना फैल रहा है। कोरोना फैल रहा है तो ऐसे में आप यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं, लोग इतनी पास पास हैं, तो डर महसूस नहीं होता? डर तो है, जीने के लिए तो लेना पड़ेगा ना। जीने के लिए दवा लेनी पड़ेगी कि जीने के लिए ये लेना पड़ेगा? इससे ज़्यादा भागेगा कोरोना, इससे ज़्यादा भागेगा। ये कहाँ, क्या, कैसे, कौन सी किताब में ऐसा लिख दिया गया? केजरीवाल ने पहले दारू खोला था तो क्या करे? केजरीवाल ने दारू खोली इसलिए आपने समझ लिया कि ये ज़्यादा जरूरी है? हाँ, उनके खाते में तो यही जरूरी है ना ज़्यादा। दारू पीते रहेंगे तो कोरोना पास नहीं आएगा? चलिए दूसरा जगह देखिए सर। अच्छा ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है दारू जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना को दूर रखने के लिए, कोरोना को भगाने के लिए यहाँ पर दारू ज़्यादा ज़रूरी नज़र आती है। कोरोना फैल रहा है गुरु, डर नहीं लग रहा? काय का डर? अरे कोरोना फैल रहा है यार, यहाँ इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं। मगर कोरोना में जब केजरीवाल ने इसे खुलवा रखी है, उसे बंद करना नहीं चाहिए था? ये बंद कर रहे हैं तभी तो लाइनें लग गई हैं। तो वही तो बात है, उससे पहले पता होना चाहिए कि ऐसा काम क्यों करवा रहे हो। फिर पता चल गया, चलिए कल से बंद करा रहे हैं, तो आप आज क्यों लेने आ गए? तो आज खुला तो आज ले रहे हैं, जब तक खुलेगा लेते रहेंगे। ऐसे जब तक खुलेगा, कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, सब डेली वाले। कौन है? डेली वाले हैं सारे। और आप लॉकडाउन देख कर आए थे? हाँ, आप लॉकडाउन की वजह से आए? हाँ, आया था किसी फ्रेंड के लिए लेने के लिए, क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ, पार्सल कर दूंगा उसको। पार्सल कर देंगे? तो आपको लगा नहीं आपके फ्रेंड के लिए लेने आए हैं, खतरा आपको हो सकता है? खतरा तो है, अब क्या करे, खतरे से कहाँ भागोगे? किस, ये कोरोना तो सबको ही होना है, एक ना एक दिन सबको होना, चाहे जच्चा सेफ्टी हो। योगी जी, हमारे माननीय योगी जी को हो गया, अखिलेश जी को हो गया, कोई से अछूता नहीं रहा, जबकि उनके पास सारे सुख सुविधा हैं। मेरे हिसाब से जो मेहनत करता पसीना निकालता उसको कोरोना टच नहीं करता, जो एसी वैसी ज़्यादा यूज करता उसको होता है। जो एसी यूज़ करता है उसको कोरोना ज़्यादा होता है, जो मेहनत करता उसको नहीं होता। आप नहीं, क्या समझते हैं कैसे होता है? हेलो, मैं तो डेली एक लेता हूँ, एक पौवा के लिए लाइन पर। 6 दिन के लिए बंद हो गया, आप कैसे डेली एक? कोई बात नहीं, यूपी खुला है, यूपी खुला है। अच्छा, यूपी से ले लेंगे तो फिर यहाँ। अच्छा, यहाँ आज के लिए लेने आए बस? ठीक है, चलिए। तो यहाँ जो तस्वीरें हैं वो लगातार आप देख रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर पेटियों पे पेटी भरकर ले जा रहे हैं। लगातार जो लंबी लंबी कतारें हैं वो लगी हुई हैं, लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं। लोग जो हैं यहाँ पर दारू देने के लिए इतनी ज़्यादा बेचैन नज़र आ रहे हैं, लगातार लाइनें जो बढ़ती जा रही हैं, रोड तक जो है वो लाइनें पहुँच चुकी हैं, 3-4 लाइनें लगी हुई हैं। इसके साथ ही लगातार ये आपको बता दूं कि जब से अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 6 दिन के लिए लॉकडाउन लगने जा रहा है, उसके बाद से ही इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो लगातार जो आ रही हैं। लाइनें देखिए आप कितनी लंबी हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी तरीके की कोई सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिल रही है। और कल से ठेके बंद हो जाएंगे, इसी डर से लोग जो हैं आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे और इतनी भारी संख्या में यहाँ पर लगे हुए हैं, ताकि वो 6 दिनों का जो स्टॉक है उसको भी रख लेना चाहते हैं। इसके साथ एक आशंका ये भी है कि अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है
तो फिर क्या। तो लॉकडाउन एक्सटेंड होने की आशंका के चलते भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपने साथ 6 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन का सब सामान है एक साथ लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो डराती भी हैं, जो यहाँ पर तस्वीरें हैं वो दिखाती भी हैं कि एक तरफ कोरोना को लेकर किस तरीके की जो गाइडलाइंस हैं, जो SOPs हैं वो बताई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़मीन पर जो है वो कुछ और ही नज़र आता है। बाकी ये जो कुछ यहाँ पर तस्वीरें वो हमने आपको दिखाई, इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।